अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज कोई सी वीडियो है जिसके अंदर हम लोग अपनी वॉच में जो बैटरी है वो रिप्लेस करेंगे। मेरी वॉच की बैटरी जो है वो कुछ दिन पहले से डेड हो गई थी। उसमें जो सेल यूज़ होता है 2450 सेल है, वो मुल्तान में मुझे दिक्कू शॉप से मैंने पता किया था, मुझे नहीं मिला, तो फिर मैंने उसको ऑनलाइन परचेज़ किया। अब मेरे पास सेल आ गया तो मैं उसको बैटरी को रिप्लेस कर लेता हूँ। तो उसकी वीडियो जो है कोई सी हम आपके साथ शेयर करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप, और इस वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको तमाम लेटेस्ट वीडियो जो है वो आसानी से मिल सके। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेलकम बैक फ्रेंड्स। पहले तो हम लोग अनबॉक्स कर लेते हैं। हम लोगों ने जो बैटरी सेल मंगवाया था से CR2450, उसके बाद हम लोग बैटरी सेल रिप्लेस कर लेंगे अपनी वॉच में, और उसके बाद मैं आपको ब्रीफ सा इंट्रो दे दूंगा एस्टीमेट 1250 वॉच का। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये कैमेलियन का बैटरी सेल है और ये 3 वोल्ट्स पे ऑपरेट करता है। लिथियम बैटरी है ये CR2450, और CR2450 स्टैंड फॉर 24 mm ऑफ डायमीटर एंड 5.0 mm ऑफ थिकनेस। तो ये हम लोग अभी इसको एक बैटरी सेल इसमें से निकालते हैं, और ये हमारी वॉच है जो कि इस वक्त इसका जो डेड हुई हुई है, तो इसको भी हम लोग इसके अंदर डालेंगे। तो किसी बारीक चीज से आपने इसकी ये बैक ओपन कर लेनी है। इसके ऊपर इसकी सील पैक हुई भी है, टेक दिस ऑफ बैटरी फर्स्ट फॉर एनालॉग बैटरी रिप्लेसमेंट। दोस्तों, ये रिंग आपने अच्छे से इसमें बिठाना है ताकि आपकी वॉच में
पानी जाने का कोई चांस ना रहे। ये सील होती है बेसिकली आपकी वाटर रेजिस्टेंस की। दोस्तों हमारी घड़ी ऑन हो गई है और क्विकली हम लोग जो हैं वो इसके कुछ फीचर्स हैं वो देख लेते हैं। इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, सबसे पहले इसके अंदर टाइम है, इसके ऊपर डे है, इसके ऊपर डेट है, ये इसके ऊपर डेट है, ये भी हम सब कुछ सेट करना है। उसके बाद ये इसके ऊपर स्टेप्स काउंटर है, उसके बाद इसके ऊपर डिस्टेंस कवर है इन किलोमीटर्स, उसके बाद इसके अंदर कैलोरीज बर्न, ये एक इसके अंदर एल्गोरिथम दिया हुआ है जिसकी मदद से ये स्टेप काउंट्स के थ्रू डिस्टेंस कवर करता है और उसके हिसाब से कैलोरीज आपकी कितनी बर्न हुई है वो चेक करता है। उसके अलावा इसके नीचे अंदर डिफरेंट नोटिफिकेशंस हैं। इसके अंदर ये ब्लूटूथ वॉच है, तो ये ब्लूटूथ से आपके मोबाइल से, स्मार्ट वॉच से, स्मार्टफोन से कनेक्ट होकर उसके अंदर टेलीफोन के जो होते हैं आपके कॉल्स, आपके मैसेजेस, नोटिफिकेशंस हैं वो शो करता है। तो अभी हम लोग इसको जल्दी से इसका जो है वो टाइम सेट कर लेते हैं। तो इस वक्त हो रहे हैं 11:17। आज 15th डेट है और जनवरी की। ये इसके अंदर अलार्म आ गया, अलार्म अगर आपने सेट करना है तो। ये इसके अंदर स्टॉप वॉच आ गई है और ये हमारा टाइम इसके ऊपर सेट हो गया। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से हम लोग अपनी वॉच का सेल खुद ही तब्दील कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, ये जस्ट आपने 4 स्क्यूज ओपन करने और उसके अंदर उसका सेल रिप्लेस कर देना और उसके बाद उसकी जो सील होती है आपकी प्रोटेक्शन सील, वाटर रेजिस्टेंस सील, उसको आपने वापस उसकी जगह अप्लाई कर देना और उसका कैप को आपने दोबारा से स्क्रूज की मदद से बंद कर देना। तो यही प्रोसीजर हम लोग ये 1250 वॉच के ऊपर किया है, 1251 के ऊपर भी कर सकते हैं, उसके अलावा 1227 के ऊपर भी कर सकते हैं, 1209 के ऊपर भी कर सकते हैं। इन सब के अंदर यही CR2450 सेल यूज़ होता है, कोई इसके अंदर डिफिकल्टी भी नहीं है और कोई इसके अंदर डिफरेंस भी नहीं है। उसके अलावा जी शॉक की जो वॉचेज़ हैं उसके ऊपर भी सेम यही वाला प्रोसीजर अप्लाई होता है। जी शॉक की वॉचेज़ और सेमी की वॉचेज़ बिल्कुल एक डिज़ाइन की होती है, उसके अंदर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे ट्यून्ड गाइस, किसी और वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।